बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर। तो आज जिस घर के बारे में हम आप दोस्तों से बात करेंगे, ये जी हमारे एक सब्सक्राइबर हैं वसीम अकरम दुनियापुर से, उनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर जी ये घर हमने डिज़ाइन किया है। और ये घर जी एक नाल के ऊपर मुश्तमल है, जिसमें जी एक साइड के ऊपर फार्म हाउस डिज़ाइन किया गया, दूसरी साइड के ऊपर जी आप घर मुकम्मल चेकआउट कर सकते हो। तो अगर जी सेम इसी तरह का आप भी घर डिज़ाइन करना चाहते हो तो कोशिश करें कि इस वीडियो को आखिर तक देखें। इस घर के ऊपर ईंट कितनी लगेगी, मुकम्मल कॉस्ट जी इस घर के ऊपर आपकी कितनी आएगी, इंशाल्लाह जी इसके बारे में हम आप दोस्तों को मुकम्मल गाइड करेंगे। तो अगर जी इस घर की मुकम्मल चुड़ाई की बात करें तो 80 फुट जी इस घर की मुकम्मल चुड़ाई है, और जो लंबाई है वो जी 70 फुट के ऊपर मुश्तमल है, यानी कि एक नाल इस घर का मुकम्मल कवर एरिया है। तो फ्रंट के ऊपर जी एक शॉप आप चेकआउट कर सकते, और शॉप के साथ ही ये ड्रैंग यानी कि बैठक डिजाइन की गई है, और फ्रंट के आगे जी ये सिंपल सा बरामदा आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये रहेगा जी इसका मेन डोर, इससे इंटर होते ही इसके आगे जी ये गैराज आप चेकआउट कर सकते हो। इस साइड के ऊपर जी ये मुकम्मल फार्म हाउस डिजाइन किया गया, ये जी इसका बरामदा है, और इस साइड के ऊपर जी ये मुकम्मल ओपन हिस्सा आप चेकआउट कर सकते हो। और एक साइड के ऊपर जी ये मशीन वगैरह के लिए जगह छोड़ी गई है, जिसके ऊपर जी चारा वगैरह कुतरा जाता है। तो बैक साइड के ऊपर जी ये मुकम्मल घर डिजाइन किया गया है, जो इस घर का किचन है वो जी इस साइड के ऊपर आपको मिलेगा, और इसके साथ ही स्टेयर के ऊपर काम किया गया, स्टेयर के नीचे जी ये ओपन खड्डा आप चेकआउट कर सकते हो। वॉशिंग मशीन वगैरह भी इसके अंदर जी आसानी के साथ आपकी आएगी। तो बाकी जी बैक साइड के ऊपर ये घर आप चेकआउट कर सकते हो, जो इसका जी ये पर्दा डिज़ाइन किया गया नहायत ही खूबसूरती के साथ आप चेक करें। ऊपर वाले हिस्से में एक बेडरूम, और उसके आगे जी ये बरामदा डिज़ाइन किया गया, इस साइड के ऊपर जी आपको स्टेयर मिलेगी। तो चलें जी अभी चलते हैं इस घर के अंदर और आपको दिखाते हैं कि किस तरह जी इसके ऊपर आपने काम करना है। तो बगैर छत के जी फ्रंट वाला हिस्सा इस घर का आपको इस तरह नजर आएगा, खासकर जी फ्रंट के ऊपर जो ये ओपन बरामदा डिजाइन किया गया है। इन पिलरों के अंदर से इनकी जो मुकम्मल चुड़ाई है वो जी 12 फुट के ऊपर मुश्तमल है। अगर यहाँ से इसकी जी मुकम्मल लंबाई की बात करें तो वो जी 9 फुट 6 इंच, एक साइड के ऊपर जी ये ड्रैंग आप चेकआउट कर सकते हो, जिसकी मुकम्मल चुड़ाई 12 फुट, अगर लंबाई की बात करें तो 14 फुट 3 इंच, इस साइड के ऊपर जी ये शॉप आप चेकआउट कर सकते हो, जो 19x11 फुट के ऊपर डिज़ाइन की गई है, और 5x12 फुट के ऊपर जी ये बाथरूम इस ड्रैंग के साथ आप अटैच चेकआउट कर सकते हो। और इसकी बैक साइड के ऊपर ही जी ये किचन डिज़ाइन किया गया है, जिसकी मुकम्मल चुड़ाई 11 फुट के ऊपर मुश्तमल है। अगर लंबाई की बात करें तो वो जी 13 फुट 3 इंच, इसके आगे जी स्टेयर के ऊपर आपने काम करना है, और इसके नीचे जी 6x5 फुट के ऊपर ओपन खड्डा डिज़ाइन किया गया। बाकी जी ये मुकम्मल ओपन हिस्सा आप इस घर का चेकआउट कर सकते हो। इस साइड के ऊपर ये फार्म हाउस का बरामदा डिज़ाइन किया गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक जी अगर इस हिस्से के मुकम्मल लंबाई की बात करें तो वो जी 31 फुट 3 इंच के ऊपर मुश्तमल है, और जो चुड़ाई है वो जी 15 फुट, इसके आगे जी ये ओपन हिस्सा आप मुकम्मल चेक करें। इस हिस्से की जो मुकम्मल चुड़ाई है 18 फुट, अगर लंबाई की बात करें तो 36 फुट 6 इंच के ऊपर मुश्तमल है। तो खासकर जी इसका ऊपर वाला पोर्शन आप चेकआउट करें। एक जी बेडरूम डिज़ाइन किया गया, जिसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चुड़ाई है वो 13 फुट और 19 फुट जी इसकी लंबाई है, इसके आगे जी ये बरामदा आप चेकआउट कर सकते हो, जिसके नीचे जी 2 डोर फ्रंट के ऊपर डिज़ाइन किए गए हैं। 13x21 फुट के ऊपर जी इसको डिज़ाइन किया गया, यानी कि जो इसकी लंबाई है वो 13 फुट, अगर चुड़ाई की बात करें तो वो जी 21 फुट के ऊपर मुश्तमल है, और एक डोर जी इस साइड के ऊपर भी आपको मिलेगा। तो बगैर छत के भी इस घर को जी आप मुकम्मल चेकआउट कर सकते हो, खासकर जी फ्रंट के ऊपर ये 4 डोर डिज़ाइन किए गए हैं, यानी कि मुकम्मल चुड़ाई 7 फुट 6 इंच, अगर ऊंचाई की बात करें तो वो जी 8 फुट 6 इंच के ऊपर मुश्तमल है, इसके आगे जी ये बरामदा आप चेकआउट कर सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक जी इसकी अगर मुकम्मल चुड़ाई की बात करें तो ये जी 58 फुट के ऊपर मुश्तमल है, और जो लंबाई है वो जी 12 फुट, एक साइड के ऊपर जी 6x5 फुट के ऊपर ये बाथरूम डिज़ाइन किया गया है, जो टोटल घर के लिए, और बैक साइड के ऊपर जी ये 3 बेडरूम आप चेकआउट कर सकते हो। इन दोनों की जो मुकम्मल चुड़ाई है 21 फुट, लंबाई 13 फुट, इस साइड के ऊपर जो ये 4th बेडरूम डिज़ाइन किया गया है, इसकी जो मुकम्मल चुड़ाई है वो जी 21 फुट 6 इंच, लंबाई इसकी भी 13 फुट, और 13x19 फुट के ऊपर जी इस साइड के ऊपर ये बेडरूम आप चेकआउट कर सकते हो, और जो ये विंडो डिज़ाइन की गई हैं 5x5 फुट के ऊपर जी इनको मुकम्मल लगाया गया है, इसके आगे जी ये चारा कुतरने वाला हिस्सा भी। तो इसके आगे जी ये
तो इसके आगे जी फार्म हाउस के लिए ये एक और बेडरूम आप चेकआउट कर सकते हो। इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक जी अगर मुकम्मल चौड़ाई की बात करें 15 फुट और जो लंबाई है वो जी 16 फुट 6 इंच के ऊपर मुश्तमल है। तो अगर जी इस घर के ऊपर मुकम्मल ईंट की बात करें जो बुनियाद है 40,000 जी टोटल आपकी बुनियाद के ऊपर ईंट का खर्च आएगा। अगर मुकम्मल इस घर के ऊपर ईंट की बात करें बुनियाद से ऊपर जो आपकी इस घर के ऊपर ईंट लगेगी 60 से लेकर जी 65,000 टोटल ईंट का खर्च आएगा। तो अगर जी मुकम्मल ईंट की बात करें तो 1,10,000 तक जी टोटल आपकी इस घर के ऊपर ईंट लग सकती है। अगर जी मुकम्मल कॉस्ट की बात करें तो 1 करोड़ से जी ये घर आपका 5 से लेकर 10 लाख ऊपर जा सकता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो दोस्तों को पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें।